अब देख सकते हो कि कैसा हो गया है। आप देखिए गाइस, जो बाहर के आई मास्क मिलते हैं ना, वैसा ही दिख रहा है। आपको आइस में जलन होती है, आपको आइस में पेन होने लगता है, या फिर आपकी आइस बहुत जल्दी से थक जाती है। और समर सीजन में हमें ज्यादा आइस में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एक तो गर्मी है उसकी वजह से हमें ये होता है, और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत सारा बढ़ गया है। चाहे वो मोबाइल के सामने हो, लैपटॉप के सामने हो, हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से हमें अपनी आंख में स्ट्रेस फील होता है, आंख हमारी जलती है, हमें अपनी आइस में ज्यादा थकावट फील होती है, या हमें अपनी आइस ड्राई लगती है और फिर हमें डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आज का वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप डीआईवाई चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो हमारी जो आज की रेमेडीज है ना, उसमें हम समर स्पेशल आई जेल मास्क बनाने वाले हैं। और ये मास्क की खूबी ये है कि ये आपकी आईज को स्ट्रेस फ्री रखेगा, कि आईज के नीचे आपको डार्क सर्कल्स आ गए हैं या फिर आपकी आईज के नीचे आपको रिंकल्स आ गए हैं, तो उसमें भी ये इंस्टेंट बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी आईज में कितना फर्क लग रहा है। यहाँ पे मैं ये भी दिखा रही हूँ, और बाजू में जब मैंने फर्स्ट डे अप्लाई किया था, वो भी देख सकते हो कि मेरे डार्क सर्कल्स कितने दिख रहे थे, और आज के वीडियो में देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स में काफी अंतर आया है, काफी कम हो गए हैं। यहाँ पे मेरा ये लाइव रिजल्ट है, आप देख सकते हो। ये रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आई मास्क बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ककुम्बर का वाटर। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन ककुम्बर। तो यहाँ पे ग्रीन ककुम्बर लो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कंपेयर टू जो लाइट ग्रीन रहता है। तो यहाँ पे ग्रीन ककुम्बर ही लेना है, और उसको हमें स्किन के साथ मिक्सी में हमें पीसना है, ताकि हमें उसका अच्छा ग्रीन कलर मिले, और ये हमारे डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें जो आई मास्क मिलते हैं ना, उस टाइप का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे ककुम्बर का वाटर। तो ककुम्बर जूस लिया है मैंने यहाँ पे। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे रोज वाटर। तो रोज वाटर आपको पता ही है कि स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटीफिक का मेरा रोज वाटर लिया है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो अराउंड मैंने 1 स्पून यहाँ पे रोज वाटर ऐड किया है। तो यहाँ पे ये आपका आराम से 1 से 2 मंथ चलेगा, अगर 1 पर्सन यूज करता है तो। फिर इसके बाद यहाँ पे हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। यह मैंने लिया है ब्यूटीफिक का एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे हमें जेल लेना है 1 स्पून। पहले हम 1 स्पून ऐड करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड लगेगा तो हम वापस 1 स्पून ऐड करेंगे। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा सा मुझे और लिक्विड जैसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको हमें थिक करना है। तो हम यहाँ पे 1/2 स्पून अराउंड वापस एलोवेरा जेल ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा ये बना हुआ है। तो ज़्यादा थिक भी नहीं है और थिन भी नहीं है, तो इस टाइप का हमें रखना है। लेकिन ये गाइस आपके लिए अभी समर में इतना आपको आईज़ में बेनिफिट मिलेगा। वैसे भी हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आईज़ पे बहुत स्ट्रेस पहुँचता है। तो वहाँ पर ये आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ करेगा, आपके आईज़ में जो डार्क सर्कल्स वगैरह है उसको भी ये बेनिफिट देता है। तो यहाँ पर हम इसका जो मास्क बनाने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा अलग है। तो और यहाँ पर और एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ये विटामिन ई की कैप्सूल। तो 1 यहाँ पे कैप्सूल ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो हमें ऑयली ऑयली लगेगा। तो बस उसका बेनिफिट हमें मिले, इसलिए यहाँ पे हम 1 कैप्सूल इसके अंदर ऐड करेंगे। और अभी यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले। और इसका जो कलर है ना गाइस, इतना मतलब प्यारा कलर है ना, मतलब ये देख के आपको लगाने का मन कर जाएगा, इतना अच्छा यहाँ पे इसका कलर है। और इसीलिए यहाँ पे आपको ग्रीन ककुम्बर ही लेना है। अगर नहीं है तो आप दूसरा भी ये लाइट वाला जो आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ रहती है ना, वो डार्क सर्कल्स के लिए और आइज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा हमारा ये जेल जैसा हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसका मास्क बनाएंगे। मास्क बनाने के लिए यहाँ पे इस टाइप के जो मेकअप रिमूवर वाइप्स आते हैं, जो कॉटन के रहते हैं, तो वो यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे इसको हमें बीच में कट कर लेना है।
तो आप देख सकते हो इसको मैंने बीच में कट कर लिया है। तो अभी ये कैसा लग रहा है, लग रहा है ना हमारा आई मास्क जैसा मार्केट में मिलता है और कितने एक्सपेंसिव रहते हैं, और यहाँ पे हम घर में ही बनाएंगे और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और केमिकल फ्री रहेगा। और DIY है तो खुद को भी हमें एक अच्छा लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। और ये मास्क आप आराम से 1 to 2 month फ्रीज में स्टोर करके आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बस एक बार आपको बनाना है और हार्डली आपको 10 minutes का टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। ऐसे कंटेनर में डालेंगे कि जहाँ से हम इजीली इसको निकाल सके और यूज़ कर सके। तो यहाँ पे इस टाइप का हमें मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसके अभी पहले इसको हमें इसके अंदर डाल देना है और इसके ऊपर हमें यहाँ पे हमने जो मटेरियल बनाया हुआ था उसको डालना है और वो अच्छे से पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा अगर जैसे हम धीरे धीरे डालेंगे ना। और फिर उसके बाद हम जो उसको आईज़ में लगाएंगे ना, आपको उसका बेनिफिट और ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे बस इसको हमें इसके ऊपर पूरा हमें यहाँ पे डाल देना है, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। जो जेल बनाया है ना इसको पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे इसको पूरा अंदर इसके अंदर हमें डाल देना है। तो आप देख सकते हो ये मैंने पूरा फिल कर लिया है। अभी इसको हम फ्रीज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है ताकि ये जो ठंडा होगा ना उसके बाद जब आप यूज़ करोगे ना गाइस, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना रिलीफ मिलेगा ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इससे आपके आइज़ का जो स्ट्रेस है ना वो भी रिलीज होता है, तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अभी इसको हम फ्रीज में रखेंगे और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और इसको कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है वो पूरा उसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज में रखा था और आप देख सकते हो कि कैसा हो गया है। आप देखिए गाइस, जो बाहर के आई मास्क मिलते हैं ना वैसा ही दिख रहा है। अभी इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं डेली लगाऊंगी और आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि इससे मुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह में। तो यहाँ पे चलिए अभी मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स कितने दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमें ये मास्क लगाती हूँ, चलिए देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे अभी ये मास्क को हम जेल के साथ यहाँ पे पहले अंडर आई में लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा हमें जेल लेना है ताकि हम अच्छे से अपनी आईज़ को जो अंडर आई है उसमें हमें बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे अराउंड 15 मिनट्स मैंने इसको रखा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने रिमूव किया। फिर जो जेल है उसको हम पहले अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब होने देंगे, फिर उसके बाद आईज़ के ऊपर हमें लगाना है। तो 15 मिनट तक आईज़ के ऊपर आप रखिए ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो और आपकी आईज़ में जो कावटे वो भी रिमूव हो जाए। और उसके बाद ये मास्क को जब मैंने रिमूव किया ना गाइस, मुझे इतना ठंडा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरी आईज एकदम हल्की हो गई है, सारा स्ट्रेस रिलीज हो गया, डार्क सर्कल्स में भी मुझे हल्का फील हो रहा था, बेनिफिट लग रहा था। और आफ्टर 1 week आप मेरे फेस पे देख सकते हो कि डार्क सर्कल्स में कितना बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे ये मास्क आप डेली यूज कर सकते हो। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।